जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2016 में आई फिल्म बॉडीज के बारे में। दोस्तों इस फिल्म की एंडिंग काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो भाई कोरी और जेफरी दिखाए जाते हैं जो कि पैरामेडिक्स थे। इन दोनों भाई ने एक हॉस्पिटल का रेडियो ट्रैक कर रखा था जिससे जो भी जख्मी इंसान हॉस्पिटल में फोन करता था वो कॉल इन्हें सुनाई पड़ता था। तभी एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसका हाथ टूट गया है, तो ये मैसेज सुन के वो दोनों अपनी एम्बुलेंस लेके उसके घर जाते हैं। वहां पहुंच के दोनों लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं। जेफरी उस लड़की को बेहोशी की दवा दे के बेहोश कर देता है और उसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने अड्डे पे ले जाते हैं। वो उस लड़की का पेट फाड़ के उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये दोनों जख्मी लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स निकाल के उन्हें बेचा करते थे। रात को जेफरी उस लड़की के फोन में उसके सोशल मीडिया पे लिखता है कि वो कहीं दूर जा रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी। कोरी जब ये देखता है तो वो जेफरी को कुछ नया बहाना सोचने के लिए कहता है। इन्हें ये काम करते हुए 3 हफ्ते हो जाते हैं और ये काफी पैसा कमा लेते हैं। कोरी जेफरी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। फिर हमें सिंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर पे जा टकराता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। वो हॉस्पिटल में कॉल करती है तो उसे लेने के लिए कोरी और जेफरी आते हैं। कोरी उससे कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स अलाउड है, तो उसकी फ्रेंड्स को यही रुकना होगा। सिंडी ये सुन के उनके साथ एम्बुलेंस में चली जाती है, जहां जेफरी उसे बेहोश कर देता है और उसके सर पे हाथ फेरता है मानो कि वो उसे जानता हो। वो दोनों उसे अपने अड्डे पे ले जाते हैं और उसके ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही कोरी उसके शरीर को काटने जाता है वो ये नहीं कर पाता। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी को मारने के लिए इतना सोच रहा था। जेफरी उससे कहता है कि क्यों ना वो ये काम बाद में करे, तो कोरी वहां से चला जाता है और जेफरी सिंडी के सर पे हाथ फेर के उसे घूरता है। कुछ देर बाद जब सिंडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उस चेंबर में बंद पाती है। वो कैमरा में देख के कहती है कि वो लोग उसे जाने दें, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वो वहां पड़े कुछ विक्टिम्स के कपड़ों को पहन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसे वहां घुटन हो रही थी। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लेके आता है तो सिंडी उस खाने को फेंक देती है। ये देख के कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सिंडी उसे एक लात मार देती है। इस पे कोरी उसे कहता है कि ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा और वहां से चला जाता है। रात को सिंडी जब सो रही होती है तो कोरी उसके कमरे में आके उसके साथ जबरदस्ती करता है, जिससे सिंडी को काफी तकलीफ होती है। अगली सुबह जेफरी सिंडी के शरीर पे लगा खून साफ करता है और जब सिंडी को होश आता है तो वो जेफरी को एक लात मारती है। वो जेफरी से कहती है कि क्या वो भी उसका रेप करने आया है, तो जेफरी उसे कहता है कि नहीं, वो उसके लिए खाना लेके आया है। सिंडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहां से भगा देती है और उसके बाद वो खाना खाती है। कोरी उसकी हालात देख के बहुत हंसता है क्योंकि अब उसे मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों सिंडी के पास जाके उसे बताते हैं कि वो उसकी टूटी हुई टांग को ट्रीट करने आए हैं। कोरी की नहीं सुनती तो वो उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा। कोरी उसे बताता है कि वो उसकी टांग के लिए एक जूता लेके आया है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। जब कोरी उसे वो पहनाने जाता है तो वो उसकी टांग को और तोड़ देता है ताकि वो वहां से भाग ना सके। सिंडी जब दर्द से चिल्ला रही होती है तो कोरी उसे मॉर्फिन दिखाता है और कहता है कि अगर उसे ये चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। सिंडी ये सुन के राजी हो जाती है और कोरी उसे मॉर्फिन देता है। दोस्तों वो मॉर्फिन नहीं बल्कि बेहोशी की दवा होती है, जिसे पी के सिंडी बेहोश हो जाती है और कोरी उसके साथ गलत करता है। जब सिंडी को होश आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर कब तक वो ऐसा करेगा, तो कोरी उसे बताता है कि जब तक उसका मन भर नहीं जाता वो तब तक ऐसा करता रहेगा। सिंडी उसे कहती है कि जो वो करना चाहे वो कर सकता है, बस वो उसे बेहोश ना करे, वो किसी चीज के लिए उसे कभी मना नहीं करेगी। ये सुन के क्रेग सिंडी को वादा करता है कि वो अब से उसे बेहोश नहीं करेगा। रात को जेफरी अपने कमरे में आके बहुत रोता है और एक फोटो निकाल के उसे देखता है जिसमें क्रेग और एक लड़की थी जो सिंडी की तरह दिखती थी। क्रेग जब उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसके पास आके उसे संभालता है। वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे और अपने कमरे में जाके खुद उस फोटो को देख के उदास होता है। अगली सुबह कोरी सिंडी के लिए नाश्ता ले जाता है, जहां सिंडी उससे पूछती है कि और कितने दिन वो उसे यहां रखेंगे, तो कोरी उसे बताता है कि जब उसका मन करेगा वो उसे मार देंगे। सिंडी उसे कहती है कि जरूर वो किसी ट्रॉमा की वजह से साइको बन गया है, तभी वो मासूम लोगों की जान लेता है। इस पे कोरी उसे कहता है
है कि वो एक डेविल है और वो ये काम दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए करता है, क्योंकि एक इंसान के ऑर्गन से कई जिंदगियां बच सकती हैं। टिंडी उससे पूछती है कि क्या आज भी वो उसका रेप करेगा, तो कोरी उसे कहता है कि आज उसका मूड नहीं है। कुछ देर बाद जब सिंडी कपड़े बदल रही होती है तो जेफरी उसके लिए खाना लेके आता है और उसे नंग अवस्था में देख के वो अपना मुंह फेर लेता है। तभी सिंडी उसे कहती है कि वो अपना मुंह ना फेरे और उसके पास जाके वो उसे टच करने लगती है। सिंडी एक उंगली से चॉकलेट उठाती है और उसे लिक करती है, जिसे देख के जेफरी को काफी मजा आता है। तभी सिंडी उसका प्राइवेट पार्ट टच कर देती है तो वो वहां से भाग निकलता है। कोरी ये सब देख के समझ जाता है कि सिंडी उसके भाई को अपनी तरफ करना चाहती है ताकि वो वहां से भाग सके, लेकिन वो देखना चाहता था कि उसका भाई उसकी तरफ रहता है या सिंडी की तरफ, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। रात को कोरी फिर सिंडी के पास जाके उसके साथ गलत करता है, जिससे सिंडी का वेश निकल जाता है। उसे साफ करने के लिए जब जेफरी वहां जाता है तो सिंडी निवस्त्र होके उसे कहती है कि वो ही उसका शरीर साफ कर दे। वो उसके हाथों को अपने शरीर पे लगाती है और उसे किस करके वो उसे प्लेजर देती है, जिससे जेफरी को काफी अजीब लगता है और वो वहां से भाग निकलता है। कोरी जब ये देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि जेफरी को अपनी साइड करने के लिए वो कुछ भी कर रही थी। सिंडी कैमरा के सामने आके बोलती है कि वो जानती है कि वो सब देख रहा है और वो कुछ भी कर सकती है। जेफरी इधर अपने कमरे में जाके सो जाता है और अब उसे सिंडी से प्यार हो गया था। अगली सुबह वो सिंडी के लिए बढ़िया नाश्ता तैयार करता है, जिसे देख के कोरी को बहुत गुस्सा आता है। कोरी उसे कहता है कि वो सिंडी से कुछ सवाल पूछने जा रहा है ताकि वो उसके शरीर को काट के बेच सके। जेफरी को ये सुन के बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की बात नहीं टाल सकता था क्योंकि उसके अलावा उसका कोई नहीं था। कोरी सिंडी के पास जाके उससे कुछ मेडिकल सवाल पूछता है, जिसके जवाब सिंडी नहीं देती। कोरी ये देख के उसे धमकाता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। ये सुन के सिंडी डर के मारे उसे सारे जवाब दे देती है। उसके बाद वो कोरी को भला बुरा कहती है, जिससे कोरी को बहुत बुरा लगता है। कोरी उसे कहता है कि अब वो उसके साथ बहुत गलत करेगा, और जब वो ये करने जाता है तो सिंडी उसको किस करने लगती है, जिससे कोरी उससे दूर हट के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब जेफरी उस रूम में आता है तो सिंडी उसे अपने पास सोने के लिए कहती है। सिंडी उसे कहती है कि वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करता है और उसमें वो हर गुण है जो एक लड़की को एक लड़के में चाहिए। ये कह के वो उसे किस करती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। कोरी ये सब देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि शायद उसका भाई उसकी तरफ हो रहा है। सिंडी उससे पूछती है कि उन्होंने अब तक उसे क्यों जिंदा रखा है, तो जेफरी उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि ये उनकी बहन थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखती थी। उनकी पेरेंट्स के मौत के बाद ये तीनों भाई बहन एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे के साथ सोया भी करते थे, लेकिन कॉलेज में जाते ही कोरी दूसरी लड़कियों को घर लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी बहन को काफी जलन हुई और वो बीमार पड़ गई। और कुछ दिनों बाद वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। वो उसे ये भी बताता है कि उसके मुताबिक कोरी ही जिम्मेदार है उसकी बहन की मौत का, और वो जल्द ही अपनी बहन के साथ उसे छोड़ के भागने वाला था। ये सब जान के सिंडी समझ जाती है कि उसकी शक्ल उसकी बहन से मिलती है, इसीलिए वो उसे नहीं मार रहे हैं। जब जेफरी बाहर जाता है तो कोरी उसे समझाने के लिए कहता है कि वो लड़की उसे फंसा रही है। जेफरी अपने भाई की नहीं सुनता और उस पर चिल्लाने लगता है कि एक बार उसने उसकी बहन को छीन लिया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जेफरी इतने गुस्से में होता है कि वो अपने आप को हार्म करने लगता है। कोरी उसे समझाता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उससे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। रात को जेफरी वापस सिंडी के साथ इंटीमेट होता है, जहां सिंडी उसे बताती है कि उसके भाई से ज्यादा अच्छा इंटीमेट वो होता है और वो उससे ज्यादा स्मार्ट भी है, जिसे हर लड़की पाना चाहेगी। ये सुन के जेफरी उसे कहता है कि क्यों ना वो दोनों यहां से भाग चलें ताकि कोरी उन्हें कभी ढूंढ ना पाए। कोरी ये सब सुन के बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसका भाई पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। तभी वो वहां जाके जेफरी को अपने साथ काम पे ले जाता है। वापस लौट के वो एक लड़के को अपने साथ लाए होते हैं, जिसके ऑर्गन्स वो निकालने वाले थे। कोरी सिंडी को बांध देता है और उसे कहता है कि अब वो एक लाइव शो देखने वाली है। सिंडी उसे कहती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। वो उस लड़के को बांध के उसे होश में लाता है और सिंडी के सामने ही वो उसके ऑर्गन्स निकालता है, जिसे देख के सिंडी को बहुत बुरा लगता है और वो लड़का दर्द से काफी चिल्लाता है। सिंडी ये देख के काफी सदमे में हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान की बुचरिंग देख रही थी। कोरी उसके पास आके उसे बताता है कि उसने उससे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की और अब वो हर रोज उसे बुचरिंग दिखाएगा। रात को कोरी जेफरी से कहता है कि आज उसका मन कुछ लजीज खाने का कर रहा है,
तो क्यों ना वो मार्केट जाके कुछ लेके आए। जेफरी जब मार्केट के लिए जाता है तो कोरी सिंडी के पास आके उसे कहता है कि अब बहुत हो गया, उसने उसके भाई को उसकी साइड कर लिया है सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट की वजह से, तो आज वो इन दोनों को बंद कर देगा। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन की मौत सदमे के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसने उसे जहर दे दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो और जेफरी उसे छोड़ के जाने वाले हैं। ये सुन के सिंडी हैरान हो जाती है और कोरी उस रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है जिससे सिंडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद कोरी उसका मुंह और प्राइवेट पार्ट सुई धागे से सिल देता है ताकि वो दोबारा कुछ ना कर पाए। जब जेफरी वापस लौटता है तो सिंडी की हालात देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। कोरी उसे कहता है कि उसने बहुत सही काम किया है और ये लड़की उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। जेफरी उसकी एक नहीं सुनता और उसका सर जमीन पे मार के उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच सिंडी को होश आ जाता है और वो एक फायर एक्सटिंग्विशर लेके जेफरी पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और सिंडी वहां से भाग निकलती है। जब इन दोनों को होश आता है तो कोरी अपने भाई को संभालता है। कोरी उससे कहता है कि वो लड़की विश्वास के लायक नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों उसने उस पे विश्वास किया। फिर हमें एक साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां इन दोनों को एक जख्मी लड़की कॉल करके बुलाती है और जब ये दोनों अपनी एम्बुलेंस लेके वहां पहुंचते हैं तो वो लड़की इन पे हमला कर देती है। वो देखते हैं कि वो सिंडी और सिंडी की दोस्त हैं जिन्होंने उन्हें किडनैप कर लिया है। वो उन दोनों को उठा के उनके अड्डे पे ले जाती हैं और उन्हें बांध देती हैं। जब कोरी को होश आता है तो वो अपने आप को उस टेबल पे लेटा देख के बहुत दुखी होता है। वो सिंडी से कहता है कि वो उसके भाई को जाने दे क्योंकि सब उसकी गलती थी, लेकिन सिंडी उसकी एक नहीं सुनती। वो उससे कहती है कि अब उसके भाई को वो उसके ऑर्गन्स निकाल के दिखाएगी, तो कोरी उसे कहता है कि वो ऐसा ना करे। जेफरी उसे कहता है कि वो तो उससे प्यार करती थी तो वो ऐसा क्यों कर रही है। तो सिंडी उसके सीने में एक चाकू घुसा के कहती है कि उसने उससे कभी प्यार नहीं किया। तभी उनके अड्डे के बाहर डिलीवरी मैन आता है जो ऑर्गन्स पिकअप करने आया था। जब सिंडी बाहर जाती है तो वो डिलीवरी मैन उससे ऑर्गन्स मांगता है और कहता है कि अगर वो ऑर्गन्स देगी तो वो उसे भारी मात्रा में पैसे देगा। सिंडी उसे कहती है कि वो बस 5 मिनट इंतजार करे, वो ऑर्गन्स लेके अभी आ रही है, और मूवी खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों, सिंडी ने जरूर कोरी के ही ऑर्गन्स काट के उसे दिए होंगे और अब से वो ये धंधा करेगी ताकि वो भारी मात्रा में पैसे कमा सके। दोस्तों, आप लोग इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ये मूवी काफी अंडररेटेड है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं और हमें ये भी बताएं कि सिंडी ने जो बदला लिया वो आपको कैसा लगा।